अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद इंसान को अचानक ब्लड शुगर क्यों और किस वजह से होता है। वो परेशान रहते हैं कि मुझे अचानक, मैं सेहतमंद था और अचानक मुझे ब्लड शुगर हुआ, तो ब्लड शुगर होने की वजूहत क्या हैं, ब्लड शुगर क्यों और किस वजह से एक सेहतमंद इंसान को होता है, इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो ब्लड शुगर ये कोई मीठा खुराक खाने की वजह से नहीं होता। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि हम मीठा खुराक खाएंगे और मीठा खुराक खाने से हमें हमें ब्लड शुगर होगा। ये नहीं होता, इसी तरह नहीं होता कि ज़्यादा मीठा खुराक खाने से आपको शुगर होगा। नहीं, मीठा खुराक हसब ज़रूरत खा लेना चाहिए। एक सेहतमंद इंसान को ज़रूरत होता है नमक का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पीना और ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूटें खाना और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल मीठा खुराक खाना भी हजरत पाक का सुन्नत है हर खाने के बाद। लेकिन मुसलसल मीठे खुराक खाने से भी नुकसान है, लेकिन शुगर नहीं होगा। शुगर की होने की अलामतें ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि जिस्मानी मोटापा की वजह से आपको शुगर हो सकता है। यानी कि खुराक डाइट कम कर लें, चिकनाहट वाले और तले हुए चीज़ें, चिकनाहट वाली चीज़ें आप कम से कम खाएं। चिकनाहट बढ़ने की वजह से, जिस्मानी मोटापा की वजह से, जिस्मानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपका पेनक्रियाज डैमेजेस होगा। तो डैमेजेस पेनक्रियाज होने की वजह से एक सेहतमंद इंसान को शुगर होता है। शुगर हम जो भी खुराक खा लेते हैं शुगर के, यानी कि मीठे खुराक खाते हैं, तो हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन जाके हमारे उस मिठास को मार के ख़त्म करके गुर्दों के जरिए, पेशाब के जरिए खारिज करते हैं। तो पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन बनाता है। इन पेनक्रियाज की डैमेजेस की वजह से, पेनक्रियाज ज़्यादा मोटापा की वजह से, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ने की वजह से पेनक्रियाज के अंदर कोलेस्ट्रॉल अंदर जम जाता है बर्फ़ की तरह, जो कि पेनक्रियाज को काम करने में रुकावट आ जाती है। पेनक्रियाज डैमेजेस होती है, पेनक्रियाज में इंफ्लामेशन सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान, एक सेहतमंद इंसान को ब्लड शुगर होगा। पेनक्रियाज एक काम ये करता है कि खुराक को हजम करने में, डाइजेशन करने में हेल्प करता है हमारा, और दूसरी ये बात है कि पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन बनाता है और हमारे जिस्म के हर एक एक ऑर्गन्स को जाके पहुंचाता है, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल हो उसको बैलेंस को बराबर करके बकाया जो कोलेस्ट्रॉल जो होंगे, सॉरी जो शुगर होगा, उनको गुर्दों के जरिए, हमारे पेशाब के जरिए बाहर खारिज करता है। पेनक्रियाज की डैमेजेस की वजह से, पेनक्रियाज की डैमेजेस क्यों और किस वजह से होता है, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाहट वाले खुराक, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से, चिकनाहट जब बढ़ जाती है, जिस्म में मोटापा आ जाती है, तो डैमेजेस अपने आप प्रेशर प्रेशर हो जाती है, यानी कि पिस जाती है, और इसमें सूजन, इसके अंदर इन्फ्लामेशन और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में काम करने में रुकावटें आ जाती है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी पेनक्रियाज को नुकसान आ जाता है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ज़्यादा सोच विचार की वजह से, ज़्यादा मूवीज़ देखने की वजह से, ज़्यादा टेंशन परेशानी की वजह से पेनक्रियाज में सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। इसके बाद ज़्यादा मेडिसिन्स खाने की वजह से, हाई एंटीबायोटिक्स, हाई मेडिसिन्स, टाइमिंग के कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो हकीमों के पास लेते हैं, ज़्यादा मेडिसिन, हाई पावर के मेडिसिन खाने से पेनक्रियाज में नुकसान आ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पेनक्रियाज में डैमेजेस आ जाती है, जिसकी वजह से शुगर बआसानी हमें हमारे पूरे बॉडीज में फैल जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसके मेडिसिन के हवाले से आप किसी अच्छे अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करें, उसके मुताबिक अपना पेनक्रियाज का इलाज करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।